हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक न्यू प्रॉम्प्ट लेकर आ चुका हूं, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह की इमेजेस काफी ट्रेंडिंग में चल रही है और काफी वायरल हो रही है। तो चाहे आप बॉय हो या गर्ल्स हो, आप अपने लिए इस तरह की नाम के साथ इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो में मैं आप सबको इस तरह की इमेजेस क्रिएट करना सिखाऊंगा। आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करने, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में मैं जो भी प्रॉम्प्ट यूज करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्रोम को ओपन करना है। जैसे क्रोम को ओपन करेंगे, सर्च में आपने लिख देना है, सर्च में लिख देना है बिंग इमेज क्रिएटर। बिंग इमेज क्रिएटर इसको सर्च कर देना है। जो फर्स्ट नंबर वेबसाइट नजर आ रहा है, आपने इसको लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करें या फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन करें, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनवा के इसको लॉगिन करना है। जब तक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो जिसे लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना है, यानी कि आपको जिस किस्म की इमेजेस चाहिए आपने उस तरह का प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखना है। याद रहे, अगर आप सही प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो इमेजेस सही से क्रिएट होगा, अगर आप प्रॉम्प्ट सही नहीं लिखेंगे तो इमेजेस सही क्रिएट नहीं होगा। कुछ मेरे दोस्त सही प्रॉम्प्ट नहीं लिखते, फिर इमेजेस सही से क्रिएट नहीं होते, फिर कहते कहते कि हमारी इमेजेस क्रिएट नहीं हो रहे, तो आपने इमेजेस सॉरी आपने जो प्रॉम्प्ट है सही से यहाँ पर लिखना है। मैंने पहले से लिख कर रखा है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप मुझसे कॉपी करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अपना नाम चेंज करना होगा। तो इसमें जो मैंने नाम लिखा है हैदर, ये मैं मुझे किसी ने कमेंट किया था, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने, तो उसने कमेंट किया था, उसके नाम के इमेजेस क्रिएट करवा रहा हूँ। अगर आपको अपने नाम की इमेजेस चाहिए तो कमेंट करें, आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम की इमेजेस क्रिएट करवा दूंगा। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना और 15 सेकंड वेट करना है। 15 सेकंड वेट करने के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरीके के हमारी कितनी खूबसूरत और अमेजिंग इमेजेस क्रिएट होके आ चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरीके के हमारी इमेजेस क्रिएट हो गई। तो आपने जो इमेज डाउनलोड करना है, सिंपल उस इमेज पर क्लिक कर देना है, फिर साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। फिर साइड में स्वेप करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से अगेन आपने साइड में स्वेप करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपने चारों इमेजेस को डाउनलोड कर देना है। सेम तरीके से जो इमेज आपको पसंद आए उसी इमेज को आपने डाउनलोड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आएंगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बैक आएंगे तो आप यहाँ पर अगर आपका इमेज सही से क्रिएट ना हो या आपका नाम सही से यहाँ पर लिख करना आए, तो आपने अगेन क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है, अगेन और 4 इमेजेस क्रिएट होके आ जाएगी। इसी तरीके से आप जितनी बार क्रिएट करना चाहे उतनी बार क्रिएट करवा सकते हैं इमेजेस। तो जितनी उसके बाद आपने इस प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जो है ये यहाँ पर कुछ और कलर लिख देता हूँ, ब्लैक कलर। आप अपने फेवरेट कलर के ड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी शलवार कमीज पैंट शर्ट कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं ब्लैक शलवार कमीज कर देता हूँ यहाँ पर। इसी तरीके से आप अपने मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह लिख दिया, अभी अगेन हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे और 15 सेकंड वेट करेंगे। 15 सेकंड वेट करने के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरीके की हमारी कितनी अमेजिंग और खूबसूरत इमेजेस क्रिएट होके आ चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक ड्रेस लिखा था, तो ब्लैक ड्रेस के साथ हमारी इमेजेस क्रिएट हो चुकी है। तो आपने जो इमेज डाउनलोड करना है, सिंपल उस इमेज पर क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। फिर साइड में स्वेप करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। फिर अगेन साइड में स्वेप करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपने डाउनलोड करना है, फिर स्वेप करके फिर 3 डॉट पर क्लिक करके इसको भी डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर देना। इसी तरीके से आपने चारों इमेजेस को डाउनलोड कर देना है। तो इसी तरीके से जैसे आप चारों इमेज को डाउनलोड कर देते हैं, फिर बैक आ जाना है। अगर आपका इमेज सही से क्रिएट ना हो या आपका नाम यहाँ पर सही से ऐड ना हो, तो आपने क्या करना है, आपने अगेन क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है, अगेन और 4 इमेजेस क्रिएट होके आ जाएगी। जब तक आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले आप बार बार क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अभी मैं गर्ल्स के लिए फ्रंट लिख देता हूँ। अगर आप मुझसे कॉपी करना चाहते हैं, मैं गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का फ्रंट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर गर्ल्स के लिए लिख दिया, ये गर्ल्स वाले प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ आयजा। आप अपना नाम कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के इमेजेस क्रिएट करवा दूंगा। क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है, फिर 15 सेकंड वेट करने के बाद देख सकते हैं हमारी कितनी खूबसूरत और अमेजिंग गर्ल्स की इमेजेस क्रिएट होके आ चुकी है। मैंने जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरीके की हमारी अमेजिंग और खूबसूरत इमेजेस क्रिएट होके आ चुकी है। तो आपने जो इमेज डाउनलोड करना है उस इमेज पर क्लिक करना है, फिर साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। फिर साइड में स्वेप करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी।
फिर साइड पे स्वेप करके फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपने चारों इमेजेस को डाउनलोड कर देना है। कमेंट में अपना नाम लिख के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के इमेजेस क्रिएट करवा दूंगा। जो भी कमेंट में नाम लिखेगा उसके नाम के इमेजेस क्रिएट करवा दूंगा। उसके बाद अगर आपका इमेज सही से क्रिएट ना हो या आपका नाम सही से ऐड ना हो तो आपने क्या करना है, आपने अगेन क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। अगेन और चार इमेजेस आपके क्रिएट होकर आ जाएंगी। जब तक आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले तब तक आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करवा के और इमेजेस क्रिएट करवा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नाम सही से ऐड नहीं होता है तो आपने अगेन क्रिएट पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रॉब्लम को चेंजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड ड्रेस है तो मैं यहाँ पर येलो लिख देता हूँ, येलो लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप अपना फेवरेट कलर कोई भी लिख सकते हैं। मैं ये नाम भी कट करके आयजा कट करके कोई और नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ आयशा लिख देता हूँ, आयशा लिख दिया। फिर अगेन हमने क्रिएट पे क्लिक करना है और 15 सेकंड वेट करना है। 15 सेकंड वेट करने के बाद देख सकते हैं मैंने जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरीके हमारी कितनी खूबसूरत और अमेजिंग इमेजेस क्रिएट होकर आ चुकी है। तो आपने जो इमेज डाउनलोड करना है सिंपल उस इमेज पर क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट पर क्लिक करने पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्यारा सा कमेंट और लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।